प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बताने आए अपन। गैस ख़त्म हो चुका है, दूसरे जगह कहाँ तो भी लीक है, तो वो चेक करके बताते बोल रहे हैं उन्हों। ये है पूरा शेड है, ये देखो मैकेनिक शेड है ये। तो कुछ भी अपने को प्रॉब्लम रहते हैं यहाँ पर लेके आते। एसी का प्रॉब्लम मतलब कम्प्लीटली कूलिंग जो रहता ना वो ख़त्म हो चुका है, तो वो बनाने लाए अपन कार को। देखो चेक करके बताते बोल रहे हैं। पूरा सेटअप लगा रहे, एसी चेकिंग भाई कर रहे। देखो 800 भी यहाँ पर हो जाता क्या बोले, ऐसा पूछ रहा था। लेकिन इन छोटे गाड़ियाँ नहीं पकड़ते, पूरे हाई एंड गाड़ियाँ पड़ते, मतलब आडी मर्सिडीज बेंज इस तरह बड़े बड़े कारा करते, जो लेटेस्ट में है वो पुराने जो ओल्ड मॉडल है वो ओल्ड मॉडल नहीं करते, बहुत रेयर करते समझो। तो यहाँ पर होना थोड़ा इम्पॉसिबल है ऐसा होता, यहाँ पर भी होता उसको टाइम निकालना पड़ता और ज़्यादा पैसा खर्चा भी करना पड़ता अपने को। अभी हेयर लगाया गया कार को, हेयर मतलब बढ़ते फुल करके, हेयर फुल करके कान तो भी लीकेज हो रहा क्या बोले ऐसा, उसको चेक करके अगर लीकेज नहीं है तो खाली अपने को कूलिंग का जो गैस रहता ना वो गैस भरने का रहता, ख़त्म, एसी ऑन हो जाता, फिर एज इट इज़ अपन ले लेके चल जा सकते। मेरे हिसाब से ना मतलब जो कूलिंग रहता ना वो कूलिंग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं जब से कार चला रहा हूँ 6 ईयर से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ कार चला रहा हूँ, तो जब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बीच में एक आधा सर्विसिंग हुआ था शायद 2-3 ईयर्स बैक हुआ था, मतलब एसी का भी फिलअप करवाए थे, उसके बाद में फिर अब ख़त्म हुआ, तो वो एक फिलअप कर दे तो फिर एसी बढ़िया आएगा। जो न्यू वाला कार है ना उससे भी बढ़िया एसी मतलब इस कार में है, जो ओल्ड कार है वो कार में है, न्यू में उतना नहीं है। इसमें जितना आता ना न्यू में उतना आता ही नहीं, शोरूम में बताए लेकिन कुछ बेनिफिट ही नहीं है, मतलब शोरूम में बताए बाद में भी ऐसा। न्यू व्हीकल्स को बाहर बताना थोड़ा डाउटफुल है, बोले ऐसा शोरूम में दिए तो शोरूम में वो काम बन रहा ही नहीं, फिर अगर उसमें भी इस तरह कोई दिक्कत है तो फिर यहाँ ही लेके आके बताना पड़ता। यहाँ 7th गियर शोरूम है, सर्विसिंग सेंटर है, तो राजू भाई बोल के ओनर रहते, उन्होंने अपने को पहचानते, रेगुलरली अपन आते कस्टमर से अपन और साथ साथ जो हमारे सार हैं ना उनके पहचानत में छे, मतलब ऐसा तो काम भी बहुत बढ़िया होएगा। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहता होगा काम के हिसाब से, लेकिन काम बढ़िया हो जाएगा। एग्जैक्टली काकतिया इस कमान के पास ही इस मैकेनिक शेड रहेगा आप लोगों को। मैं सोच रहा था का मतलब इतना यहाँ पर मैकेनिक से तो थोड़ा बढ़िया सा हो जाता, बोले ऐसे मैकेनिक ने बता रहे कूलिंग कॉइल चले गया शायद लीकेज हो रहा बोले ऐसा बता रहे, तो उसका कॉस्ट पता करना है अपने को या फिर बनाना या नहीं बनाना डिसाइड करेंगे उसके बाद। राजन राजन मैं सरदार जी बात कर रहा हूँ, यहाँ काकतिया हिल्स सरदार जी, तो हाँ जी हाँ ओल्ड मॉडल 2009 मॉडल। कूलिंग कोयल गया बोल के इन्होंने बता रहे लीकेज हो रहा कहते, तो उसका कॉस्ट कितना था क्या नहीं मेरे को बताए तो मैं सार को कॉल करके बोल देता हूँ। 15,000 तक होता क्या ओके, और अपना मैकेनिक चार्जेस वो सब मिला के ओके फिर वो कूलिंग वगैरह सब भर देते आप लोग, कम्प्लीटली 15,000 होता ओके राजा ना, मैं मालूम करके आपको कॉल कर देता हूँ ओके राजा ना ओके। सुन चुके ना दोस्तों 15,000 अभी टोपी गिनने वाला है एसी का कॉल डालने के बाद से, सार को कॉल करेंगे मालूम करेंगे, गाड़ी ले लेके चले जाएंगे। शाहरुख खान रहते हैं यहाँ शेड में, तो अपना दोस्त शाहरुख खान उन हफ्ते में एक बार वीकली आप कब आता बोल के सोचते ना, देखो भाई लोग आ देखो किस तरह मेहनत कर रहे, संडे के दिन भी ड्यूटी को आके ड्यूटी कर रहे, देखो देखे ना इस तरह मेहनत करे तो आगे बढ़ते, क्या बोलते मेहनत करे तो आगे बढ़ना पड़ता, छुप ही नहीं बढ़ते। कई लोग चाय ऑफर करे चाय पी लेके निकल जाएंगे। नागार्जुन सर्किल जा रहे हैं अपन अभी, नागार्जुन सर्किल में ना रेमंड शोरूम है, रेमंड शोरूम जाके आएंगे अपन। Thank you.
बारिश हुए जैसा दिख रहा, बारिश होता नहीं होता नहीं मालूम, मतलब पूरे बादल आ चुके हैं, कभी भी बारिश हो सकता। ऑलरेडी अपने घर के तरफ अत्तापुर के साइड ऑलरेडी बारिश हो रहा है, अभी गिरे तो मतलब कंटिन्यू एक तीन चार घंटे गिरे तो थोड़ा ठंडा पा आ जाता, नहीं तो ना हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर अपने को रात में आज लेट होने वाला है, 11 o'clock 12 o'clock होने वाला है, 8 o'clock को अपने को फंक्शन जाना है, सारा कुछ काम है अपने को। बट पुलिस व्हीकल भाई ना सीट बेल्ट नहीं लगाए क्योंकि एसी नहीं है कार के अंदर, एक तो एसी नहीं है वो एक दिक्कत है, और साथ साथ सीट बेल्ट लगाए तो और ज़्यादा गर्मी होएगा, इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगाए। वहाँ पर पुलिसों का चेकिंग हो रहा, जस्ट मिस हो चुके हैं अपन, नहीं बोले तो सीट बेल्ट नहीं रहने के कारण अपने को चालाना भी गिर सकता। पार्क KVR पार्क हैदराबाद का बिग पार्क है, देखो ये वाला इतना भी राइट साइड पर दिख रहा ना, ये है KVR पार्क। डायमंड शोरूम आ चुके हैं, यही है पूरा खाली है, चाहे तो वो काम हो चुका है, ले लिए अपन, अभी चले जाएंगे। लॉकडाउन के चक्कर में ना जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं वो मतलब सारे खाली हो चुके हैं, रेंटेड इशू रहता ना, इसलिए जब इनकम ही नहीं है तो रेंट कहाँ से भर सकते, इसलिए सारे मॉल्स खाली है, ये पूरे बिल्डिंग खाली है। फ्रेंड्स वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। अभी ना 11:30 हो चुका है, रात में ना अपने को ड्यूटी से आया आए तक 1 o'clock हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी एक बात बताता हूँ आप लोगों को, रात में ना अपन रात में फलकनामा पैलेस जाके आ चुके हैं। एक मिस्टेक काम क्या हुआ मालूम, अपने को ना अपना मोबाइल दूसरे कार में भूल चुके, जो एसी का प्रॉब्लम था ना कार में, वो कार में अपन मोबाइल रख दिए, फिर सार जैसा आए फिर अपन इमरजेंसी कार ले लेके चले गए, आधी रास्ता निकले बाद में ना मोबाइल का याद आ रहा, अरे मेरा मोबाइल किधर है फिर हम लोग ये मोबाइल को कॉल करें, फिर वहाँ पर आंटी रहते कुकिंग आंटी रहते उनको कॉल करें तो उन्होंने फिर ढूंढे करे तो रेड कार में मिला अपना मोबाइल, तो ना अपन शूट करना थोड़ा मिस हो गए समझो। पलकनामा पैलेस गए थे रात में, बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिला, दूसरे जनों का मोबाइल था एक्स्ट्रा मोबाइल था तो अपन कार में रख दिए थे, फिर वो कार से मैं थोड़ा बहुत शूट करा, अगर हो सका तो उनको नंबर लेके कॉल करेंगे, सारों के पास से नंबर लेके कॉल करेंगे, अगर वो वीडियो उन्होंने अपने पास भिजा दिए तो अपन जो भी वीडियो जितना भी अपन कंटेंट बनाए थे वो कंटेंट अपन एडिटिंग करके आप लोगों को बता दूँ, देखो आप लोगों का बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो रात में 1 o'clock हो चुका है फ्रेंड्स, तो ये सारा कंटेंट ना आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लास्ट में बेल आइकन रहेगा उसको क्लिक करना। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत जल्द से जल्द ना आप लोगों को न्यू चैनल पे भी कंटेंट्स आने वाले हैं, देख के सपोर्ट करो भाई को। उपेंद्र जीत सिंह तैयार हो चुके हैं, आज स्कूल का डुमा हो चुका है, 8 o'clock को ना स्कूल का टाइमिंग चेंज हो चुका है, तो 7 o'clock उठना पड़ता मॉर्निंग 8 o'clock को, 8:30 को उपेंद्र जीत सिंह उठ चुके हैं, मैं 9 o'clock को उठा हूँ, तो फिर अपने को कैसा भी लेट जाना है, अभी 1 o'clock को निकलना है लंच करके बोले जैसा। तो चलो फ्रेंड्स फाइनली ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लास्ट में बेल आइकन रहेगा उसको क्लिक करना। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।